हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ्रा। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल सैलेड एंड फूड बाय शुभ्रा में। आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल हल्दी वाली चाय, जो टेस्टी तो है और हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं हल्दी वाली चाय। विंटर सीजन में हल्दी वाली चाय पीने का बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, बहुत ही हेल्दी आइडिया है, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। हल्दी वाली चाय बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे मिल्क और इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा पानी। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चाय पत्ती और इसमें हम मिलाएंगे शुगर टू टेस्ट। जस्ट ये एक बार बॉईल हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे क्रस्ट ब्लैक पेपर, क्रस्ट जिंजर। बॉईल होने देंगे लो मीडियम टेम्परेचर पे और इसमें ऐड कर लेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। आपने देखा है जस्ट अभी कि मैंने एक बार चाय बॉईल होने के बाद ही हल्दी, अदरक और काली मिर्च इसमें ऐड की है। यदि आपने बॉईल होने के पहले ही ऐड कर दी तो दूध फटने का चांस रहता है, इसलिए एक बार उबलने के बाद ही ये सारी चीज़ें डालिए। चाय बॉईल हो रही है, इसे हम 3 से 4 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि इसमें हल्दी का कच्चापन जरा भी ना रहे। ऐसा करने से हल्दी का रंग भी बहुत खूब आएगा और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। चाय को बहुत अच्छी तरह से उबाला जाए तभी चाय पीने का मज़ा आता है। चाय जब अच्छी तरह से उबाली जाती है तो चाय पत्ती का रंग उसमें बहुत अच्छा आ जाता है, उसका स्वाद आ जाता है, अदरक का अपना स्वाद आ जाएगा और काली मिर्च जो हमने डाली है क्रश करके उसका भी स्वाद बहुत ही शानदार आने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें हल्दी का रंग आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। यू नो, जब हल्दी इसमें डालते हैं तो चाय की कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है। और सर्दियों में यदि हल्दी डाल के चाय बनाई जाए तो उसका स्वाद तो आएगा ही, फ़ायदा भी बहुत है। आपको तो पता है जिनको जोड़ों में दर्द होता है और भी कई तकलीफ़ें हैं तो सर्दियों में वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो रोज़ हम अपने चाय में 1 से 2 चुटकी हल्दी डालकर बनाएं एक कप चाय में और वो पिए तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण है जो कि लगे हुए घाव को जल्दी से हील कर देता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है इसमें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जिन्हें पिंपल्स आते रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है इसे कंज्यूम करना। बहुत ही आसान तरीका है डायरेक्ट हल्दी को कंज्यूम करने का चाय में भी। तो आप यदि हल्दी वाली चाय पियेंगे तो इमिडिएटली आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। विंटर सीजन के लिए ये तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जब आपको सर्दी लग गई हो, थकान हो और जोड़ों में दर्द हो और बहुत सारे पिंपल आ गए हो स्किन में, तो इस टाइप की चाय बना के आप कंज्यूम कर सकते हैं। हल्दी वाली चाय पीने से इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और यू नो, हल्दी की तासीर गर्म होती है तो सर्दी में आपको रखेगा गर्म। विंटर सीजन के अलावा आप दूसरे मौसम में भी हल्दी वाली चाय बनाकर पी सकते हैं। मौसम के अनुसार आप उसे कम और ज़्यादा पीजिए। यदि विंटर सीजन है तो 1-2 बार पी सकते हैं और बारिश है तो भी 1-2 बार पी सकते हैं, लेकिन गर्मियों में एक ही बार मोर देन इनफ होगा। और ये टेस्टी लगती है। बिना दूध वाली यदि चाय बनाएंगे हल्दी वाली तो थोड़ी कड़वी लगती है, मगर दूध वाली ऐसी हल्दी वाली चाय बनाकर आप पियेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही एंजॉय करेंगे आप। सिप एंड एंजॉय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल सैलेड एंड फूड बाय शुभ्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही मैं कुछ न्यू रेसिपीज़ का आइडियाज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।